देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्ष गौरी। जिस कोरोना वायरस से देश के तमाम राज्य बेहाल हैं, उसमें एक वक्त छत्तीसगढ़ ने जंग जीत ली थी, लेकिन आज की तारीख में हालात काफी खराब हो चले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना ने अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल राज्य में एक दिन के अंदर तकरीबन 200 नए मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ कोरोना के कुल केस अब 5000 का आंकड़ा छूने के और करीब पहुंच गया है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि कोरोना के नए मामले आने के साथ ही हर रोज बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा रहे हैं और मौतों के मामले में भी छत्तीसगढ़ की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 21 मौतें हुई हैं, लेकिन हर रोज जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है वो बड़ी चिंता का विषय है। इधर विपक्ष कोरोना कहर को लेकर सरकार की तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। ये सवाल कितना जायज है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां विधानसभा के मानसून सत्र पर कोरोना की मार बढ़ी हुई है और 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है। मतलब ये है कि कांग्रेस ने सत्र को स्थगित करने पर विरोध करने के बजाय अपनी सहमति जताई है और ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने सरकार को सदन में बड़े मुद्दों को लेकर घेरने का मौका भी गंवा दिया है या इसके पीछे उसकी कोई और नई रणनीति है। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है जिसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करेंगे जहां कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। गरीब आम जनता से लेकर वीआईपी वीवीआईपी घरों तक में कोरोना ने एंट्री दे दी है। मौजूदा समय में प्रदेश के सभी जिले कोरोना के कब्जे में हैं। अभी 25 जिलों में 112 ब्लॉक रेड जोन में हैं और 32 ब्लॉक ऑरेंज जोन में हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर का इन दिनों सबसे ज्यादा हाल बेहाल है। महीने भर से कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है और इस स्थिति को देखते हुए राज्य में फिर से लॉकडाउन की मांग अब उठने लगी है। इधर बीजेपी ने संक्रमण फैलने का ठीकरा कांग्रेस सरकार के सिर फोड़ा है। तो चलिए आपको बता दें कि हम इस गंभीर विषय पर चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के कुल केस 10 लाख के पार जा चुके हैं। तमाम राज्यों में स्थितियां खराब है। इधर छत्तीसगढ़ में भी अब तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना ने अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 197 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल केस 4750 से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात ये है कि कोरोना के मरीज लगातार ठीक भी हो रहे हैं। 16 जुलाई को 127 मरीज और स्वस्थ होने के बाद अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3450 से अधिक हो गई है। प्रदेश में फिलहाल 1300 के करीब सक्रिय मामले हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है। बात मौतों की करें तो कोरोना की चपेट में आकर अब तक 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना कहर के बीच सरकार लगातार सतर्क है और हर वो प्रयास हो रहे हैं जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। एहतियात बरतने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। सरकार अपने तरफ से आग्रह कर रही है, बार बार जागरूक करने की के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष कोरोना के खिलाफ जंग में प्रदेश सरकार को फेल बता रहा है। बीजेपी के मुताबिक एक समय छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त होने की ओर था, लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होने पर आज हालात बिगड़ गए हैं। कोरोना महामारी ने अपने चपेट में छत्तीसगढ़ प्रदेश को ले लिया है और ये जो विस्फोट है इसका पूरा कारण मुझे ऐसा लगता है प्रशासनिक अमला और शासन की जिम्मेदारी है।
कोरोना काल के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष सियासत में लगे हैं, लेकिन इस वक्त प्रदेश की जनता के लिए सबसे जरूरी सावधानी है। IMA और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता के मुताबिक सभी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धोएं और 2 गज दूरी बनाए रखें। कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है और उसे हराना है। एक समय जरूर छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के बिल्कुल करीब था, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि सब कुछ जल्द ठीक हो पाएगा। ऐसे में सबसे अहम ये है कि कोरोना काल में सियासत से इतर पक्ष विपक्ष मिलकर इस बड़ी समस्या का कोई हल निकाले। लेकिन अगर सिर्फ सियासत ही होती रही तो आगे चलकर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े और भी भयावह हो सकते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में कोरोना से कोहराम, इस बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और रायपुर एम्स के अधीक्षक डॉक्टर करण पिपरे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। और भोपाल स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो राकेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बतौर पॉलिटिशियन ही मेरा सवाल आपसे सीधा, बतौर एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में कोरोना की? क्योंकि जिस तरह से जो मामले डेली सामने आ रहे हैं, स्थिति कितनी भयावह होने वाली है? देखिए, किसी भी चीज के अंत होने से पहले उसमें तेजी आती है, और मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमण के केसेस जो आ रहे हैं, संख्या में बहुत ज्यादा भले ही हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तीव्रता वाले नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनमें। हमारा स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने इतनी तैयारी करके रखी है इतने दिनों में कि बिस्तरों की संख्या के हिसाब से उसमें नियंत्रण और डिस्चार्ज होने की दर मुझे लगता है कि समान है करीब करीब। और जैसे जैसे समय बीतेगा, इस जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको अभी अस्पतालों में रखने की प्रक्रिया जारी है, हम लोग उनको डिस्चार्ज भी करते जा रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे केसेस की संख्या घटती जाएगी, कोरोना पे नियंत्रण दूर जरूर है, लेकिन सारी स्थिति कंट्रोल में है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे देश में जब केसेस बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी और प्रशासन तन्मयता से जुटा हुआ है सारे केसेस को स्क्रीन करने में। बहुत अर्ली स्टेज में हम केसेस पिकअप कर पा रहे हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कर रहे हैं। ज्यादा दिक्कत अभी पैनिक की स्थिति, सामाजिक पैनिक की स्थिति इसलिए है क्योंकि ये राजधानी में केसेस बढ़ रहे हैं, 100 के आसपास केसेस राजधानी और उसके आसपास में बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अस्पतालों और का अनुपात, बिस्तरों की संख्या बहुत अच्छी है, हम उसको कंट्रोल में पा लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। केदार गुप्ता जी, यहाँ पे तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, राकेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, फिर क्यों विपक्ष इतना कोहराम मचा रहा है, तौबा क्यों कर रहा है? देखिए, ये कोरोना महामारी में विपक्ष खाली आरोप नहीं लगा रहा है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मजदूर बाहर से आए, जो यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला, लॉकडाउन की स्थिति थी, जब उनके घर पहुंचाकर अनाज की, कच्चे अनाज की, पक्के अनाज की व्यवस्था की और लगातार मास्क का वितरण किया, सैनिटाइजर का वितरण किया, उनका लिए आरोप नहीं लगा है। हम इस महामारी का लड़ने के लिए सरकार के साथ है, पर पूरा मीडिया देखिए आप, पूरे प्रदेश के लोगों को देखिए कि सारे लोगों का कहना है कि जब कोरोना महामारी इतनी तेजी से फैल रही है, उसके कारण को अगर कोई ढूंढने जाता है तो जब प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आए नहीं थे, उस समय छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बहुत बेहतर थी और पूरी तरह कंट्रोल में था। जैसे ही बाहर से मजदूर छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर भाई आने लगे और वो क्वारंटाइन हुए, और क्वारंटाइन सेंटर्स में जो अव्यवस्था बनी, जो पंचायत के भरोसे क्वारंटाइन सेंटर को छोड़ दिया गया, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी अगर उन बातों को याद करें तो वहां से संक्रमण शुरू किया, और वहां पर जो भोजन बनाने वाले कर्मचारी थे
वो वहाँ भोजन भी परोसते थे, बाद में खुद परचेसिंग में जाते थे, तो वो शहर में उनके माध्यम से और वहाँ काम करने वाले वहाँ काम भी करते थे और शहर में भी आते थे काम से, उससे जो संक्रमण फैला है आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लोगों को उसके लिए भी बाहर निकलना पड़ा। आपने भी देखा कहीं सांप काटा, कहीं सुसाइड के दो दो तीन तीन केस हो गए, लोग क्वारंटाइन सेंटर से दंतेवाड़ा क्षेत्र जैसे जगह में भागने लगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यवस्था बनानी थी, जो प्राथमिक थी, जहाँ सुरक्षा, जहाँ से कोरोना को रोका जा सकता था, वहीं पर बड़ी चूक हुई। और मैं समझता हूँ कि इतने दिनों में हम लोग भी रोड में रहे, रास्ते में रहे और लोगों की सेवा करते रहे और सब चीजों को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर ही इस महामारी को फैलाने में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कारण है। और वो कारण कहीं ना कहीं प्रशासनिक अक्षमता, सरकार की अदूरदर्शिता और उसको एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक स्वास्थ्य विभाग, दूसरा ग्रामीण विकास विभाग, ये दोनों अलग अलग काम करते रहे। इसके बदले अगर एक विभाग बना दिया जाता कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दोनों को मिलाकर, तो ज्यादा तेजी से काम होता, सरकारी फाइलें इधर से उधर घूमती रही, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था के लिए पढ़ने के दिया सरकार ने, पंचायतों के भरोसे छोड़ दिया, वहाँ पंच सरपंच मिलकर जो कर सकते थे किए, बिना पैसे तो काम होता नहीं ना, फिर क्वारंटाइन सेंटर क्यों खोल दिया जब पैसे ही किया, मतलब व्यवस्था वहां नहीं पहुंचाई। तो मैं समझता हूँ अब आने वाले समय में कमर कस के इसके लिए काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होना चाहिए कि पेशेंट पहले ही पता हो जाए और उनका इलाज ढंग से होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं। रमेश जी, सिर्फ ये छत्तीसगढ़ के हालात नहीं है, अगर पूरे देश के हालात देखें और हर राज्यों की अगर स्थिति हम देखते हैं, हर राज्यवार स्थिति देखते हैं, तो कमोबेश यही स्थिति है। और विपक्ष में जितने भी तमाम लोग हैं वो यही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि भाई जो राज्य सरकारें हैं वो उनका ये फेलियर ही है जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो इतना ज्यादा भयावह रूप लेता जा रहा है। इसके इतर अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमें खुद भी बचना है और हमें अपने लोगों को भी बचाना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना पूरे देश में फैल रहा है और कोरोना को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर के इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। वो कोरोना अगर फैला है तो वो दो कारणों से फैला है। एक तो सरकार ने थोड़ी सख्ती कम की होगी, उसकी वजह क्या है, मैं इसमें सरकार की गलती नहीं मानता, लेकिन कई वक्त व्यक्ति इतना लापरवाह होता है, उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को थोड़ा सा डंडा दिखाना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने थोड़ा डंडा दिखाने में जितनी शक्ति मध्य प्रदेश में हुई है, जितनी शक्ति राजस्थान में हुई, राजस्थान में देखो कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान में भी शक्ति हुई, जितनी शक्ति मध्य प्रदेश में हुई उतनी शक्ति छत्तीसगढ़ को दिखाना ही चाहिए थी। दूसरी जो और इससे बड़ा कारण है कोरोना फैलने का, वो समाज की अव्यवस्था, समाज की लापरवाही है। कई ये ठीक है कि हम सरकार से कह देते हैं कि सरकार ने लापरवाही की, वो शक्ति नहीं दिखाई, कई वक्त में समाज से भी ये बात, में ये दोनों चीज अलग अलग है। सरकार से जहां मैं सख्ती की अपेक्षा करता हूं, वहीं मैं समाज से ही अपेक्षा करता हूं कि सरकार हर आदमी के पीछे डंडा लेकर के तो सिपाही को खड़ा नहीं कर सकती। भाई पूरी दुनिया में अगर कोरोना फैल रहा है, अमेरिका उससे परेशान है, लंदन उससे परेशान है, फ्रांस परेशान है, तो हमको खुद भी सावधानी के साथ उसमें जीना, कोरोना के साथ आना चाहिए। एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमको कोरोना के साथ सावधानी से जीने की आदत डालनी चाहिए। सरकारों को अस्पताल में व्यवस्था बनाना चाहिए, सरकारों को स्टाफ पर सख्ती करना चाहिए, लेकिन समाज को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या विज्ञान की दृष्टि से देखें, 400 साल में जितनी बीमारियां आई हैं, फ्लू है, चेचक है, पीलिया है, हैजा, इसमें से एक बीमारी खत्म नहीं हुई, लेकिन समाज में बॉडी के भीतर एंटीवायरस डेवलप हुआ, वैक्सीन डेवलप हुई, हम उन बीमारियों के बीच अब जी रहे हैं, मलेरिया में भी जी रहे हैं, हैजे में भी जी रहे हैं, पीलिया में भी जी रहे हैं, एड्स में भी जी रहे हैं, अब हमने उसको जीना सीख लिया। कोरोना भी ऐसा ही है, हमें सावधानी बरतना है, सोशल डिस्टेंस का पूरी शक्ति के साथ पालन करना है और उसके साथ इसको जीना सीखना है। और इसको राजनीति से ऊपर उठ करके, जैसा कि अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर क्वारंटाइन में अगर कुछ लापरवाही हुई है तो सरकार उस पर सख्ती करे, लेकिन समाज को भी जागृत होना चाहिए इसमें और समाज स्वयं सावधानी बरते। राकेश गुप्ता जी, आखिर कहाँ कमी देख रहे हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो बेहद ही संवेदनशील हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी,
और उन्होंने स्थिति को उस वक्त भाप लिया था, राज्य सरकार ने भी स्थिति को उस वक्त भाप लिया था जहां पर लॉकडाउन पूरे देश में शुरू भी नहीं हुआ था। हम बिल्कुल आप राज्य सरकार एकदम से कंट्रोल कर लेती है सारी चीजों को, फिर उसके बाद जिस तरह से जो विस्फोट शुरू हुआ है वो विस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्वारंटीन सेंटरों में सांप के काटने से मौत होती है, खाने में अनियमितताएं मिल रही हैं, लापरवाही है। अब आप लोग स्टेडियम में क्वारंटीन सेंटर को डेवलप कर रहे हैं, तो कहां, अगर आप लोग तमाम फैसिलिटीज मुहैया करा रहे हैं तो फिर कमी कहां रह रही है? देखिए, सबसे पहली बात छत्तीसगढ़ में ये हुई कि हमारे जो मजदूर भाई जी राकेश जी, राकेश जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुप्ता जी, केदार गुप्ता जी, मैं आपसे सवाल करूंगी कि अनियमितताएं अगर हो रही हैं तो बतौर जिम्मेदार विपक्ष आप लोग क्या सल्यूशन सरकार को बता पा रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे अगर हम इस तरह से एक कार्य योजना बनाते हैं तो शायद उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले, तो बतौर जिम्मेदार विपक्ष आप लोगों ने इन तमाम चीजों को लेकर सरकार से किस तरह की और किस स्तर की बातचीत की? देखिए, अनेक बार अधिकारियों को, जो मैंने भी आपके डिबेट में भी कहा कि दो विभाग है, एक स्वास्थ्य विभाग एक ग्रामीण विकास विभाग, जो पंचायत क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर को कंट्रोल कर रहे हैं। दो विभाग है, एक विभाग की चिट्ठी और फाइल आने जाने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर के लिए पंचायतों को कोई फंड आज तक नहीं दिया गया, बड़े दुख की बात है। और जब दो विभाग अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं उसके बजाय अगर एक कोरोना सेल बना दिया जाता जिसमें दोनों विभाग के अधिकारी एक साथ शामिल होते और एक साथ निर्णय होते और काम होता। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सिर्फ आरोप लगाते नहीं बैठी है, हम लगातार काम कर रहे हैं। हम सकारात्मक विरोध की भूमिका में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये महामारी सरकार ने नहीं दी है, पर सरकार इसको कंट्रोल कर सकती थी, इस पर नियंत्रण कर सकती थी, और कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है, हम फर्स्ट देश है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश है, वहां तो कई लाखों की संख्या में मजदूर बाहर से आए, पर वहां पर आप देखें आज की तुलना और छत्तीसगढ़ की तुलना देखें तो 20 गुने का अंतर है संक्रमण का जनसंख्या की दृष्टि से और मजदूरों के आने की दृष्टि से। पर बार बार ये कहते ना कि सरकार काम कर रही है, आप देखिए ये निगम और मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में लगे हैं, ये संसदीय सचिव बनाने में लगे हैं, इनके बड़े नेता दिल्ली से आते हैं और राजनीतिक गपशप करके चले जाते हैं कि फूट ना पड़े। दिग्विजय सिंह जी के दौरे के बारे में मैं कह रहा हूँ, परंतु कहीं भी ये सरकार कोरोना को विस्फोट को लेकर अगर केदार गुप्ता जी सजग नहीं दिख रही। केदार गुप्ता जी, अगर आप मतलब इन तमाम नियुक्तियों को लेकर सवाल करेंगे तो फिर आप बताओ जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी उदाहरण देने लगेंगे। इसलिए इन तमाम चीजों को इतर रखते हुए मैं राकेश गुप्ता जी से ही सवाल कर लेती हूँ। राकेश गुप्ता जी, यहाँ पे विपक्ष कह रहा है कि आपने क्वारंटीन सेंटर के लिए पंचायत विभाग को भी कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा लेकिन आपने फंड नहीं दिया, तो भाई इतनी कॉन्ट्राडिक्ट स्थिति क्यों? और दूसरी चीज ये कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इससे पहले जब मैंने चर्चा की थी तब एक मैटर ऐसा आया था कि जो पंचायत सचिव हैं और जो आपके सीईओ हैं वो मतलब जो सरपंच उनसे ये कह रहे थे कि क्वारंटीन सेंटरों में आप अपने स्तर पे गुणवत्ता पूर्वक खाना भिजवाइए। भाई सरपंच कहाँ से खाना भिजवाएगा, आप बताइए जरा, क्या आपने फंड दिया? कोई अपनी जेब से तो जितने भी क्वारंटीन सेंटरों में जो लोग बैठे हैं उन तक सुविधाएं तो उपलब्ध कराएगा नहीं, लेकिन आपके जो सीएमओ है सीएस है ये तमाम लोग ऐसे आदेश जारी कर देते हैं और वीडियो भी कई वायरल हो जाते हैं, तो भाई इस तरह की स्थिति से भी तो बचना चाहिए। राकेश गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए मैडम, मैं इसका उसके मतलब जो शंका है, हाँ। तो उससे राकेश जी की आवाज नहीं मिल रही है, हाँ। और
क्वारंटाइन सेंटर की जो बात आपने उठाई कि सरपंच के भरोसे भोजन की व्यवस्था छोड़ दी कि आप चंदा उगाही करें, जो करना है वो करें और क्वारंटाइन सेंटर को चलाएं, वहाँ आत्महत्या की क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने, अभी 19 वर्ष के एक लड़के ने अभी 4 दिन पहले की, उसके पहले जसपुर में की, तो 2-3 आत्महत्याएं हो गई और लगातार सांप काटने की घटना भी 2-3 हो गई, लोग भाग रहे हैं, भागने के बाद उनको ढूंढा जा रहा है। और मैंने कहा वहाँ काम करने वाले स्थानीय लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं और गांव में भी घूम रहे हैं, इससे संक्रमण फैल गया। इसे मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि राजनीतिक विरोधी है और हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो बातें उसको करना पड़ेगा और उसके समाधान को कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। क्वारंटाइन हुए आज 1.5 महीना हो गया, वो बात तो खत्म हो गई, पर आज क्या उसका सलूशन निकल पाया? आज तक बिल्कुल आज तक उसका सलूशन नहीं है, आज भी कोई फंड नहीं दिया गया। ऐसे में छत्तीसगढ़ को किसके भरोसे छोड़ रही है सरकार? बिल्कुल बड़ा सवाल है, और इसलिए क्योंकि सोल्यूशन निकलना चाहिए और शायद इसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं और इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय को हमने अपने कार्यक्रम के जरिए उठाया है। शर्मा जी, परेशानियों पे तो हर कोई बात करता है, लेकिन वाकई में क्या हल होना चाहिए, कैसे निराकरण होना चाहिए, इस पे कोई बात करना नहीं चाहता और परेशानियों के जरिए बस आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो पॉइंट आपने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में अगर आप पंचों सरपंचों से भोजन का कर देंगे तो वो संभव नहीं है। ये सरकार को खुद ही चिंता करना थी कि वहां पर एक तो भोजन पहुंचे, वहां पर औषधि पहुंचे, तो जितनी सावधानी दूरी की हो सकती है, किस तरीके से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, इस पर सरकार को खुद चिंता अस्पतालों की और क्वारंटाइन सेंटर की करना चाहिए। समय के साथ सरकारों को बहुत समय मिला है, अस्पतालों का विस्तार हो, बिस्तर बढ़े, ये सरकार को करना ही चाहिए। और अगर कहीं स्टाफ लापरवाही कर रहा है क्वारंटाइन सेंटर में या अस्पतालों में सेंटर में, जिसकी भी खबरें आती हैं, तो सरकार को उसमें सख्ती बरतना ही चाहिए। प्रबंध तो सारे के सारे सरकार को करना है, समाज को सावधानी बरतना है, तब ये जा करके हम कोरोना के ऊपर हम इसमें ढंग से जी पाएंगे। ये जो है शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, गुप्ता जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, राकेश गुप्ता जी से, क्योंकि उनका फ्रेम बहुत प्रॉब्लम भी कर रहा है। राकेश गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से अब व्यवस्थाएं की जाएंगी। ठीक है, अब तो जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब आगे ना हो उसको लेकर क्या? आवाज मिल रही है आपको मेरी, राकेश गुप्ता जी? राजेश गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस तरह की अव्यवस्थाएं, लापरवाहियां ना हो, लोगों को सुविधाएं मिले और ये संक्रमण ना फैले, इसको लेकर आप किस तरह से एहतियातन कदम उठा रहे हैं? देखिए, स्थिति में इस प्रकार की कोई चिंताजनक बात नहीं थी। जो भी स्थिति आई वो इसलिए आई कि सामाजिक सुरक्षा के निश्चितता के तहत छत्तीसगढ़ में आए मजदूर भाई जो हैं वो अधिक संख्या में आए और अलग अलग जिलों में स्थिति तो नियंत्रण में रही, लेकिन चुनिंदा जिलों में मुंगेली, जांजगीर, बलौदाबाजार जैसे जिलों में यदि ज्यादा मजदूर आए तो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में अनुपात में मजदूर थोड़े ज्यादा रहे। शुरुआत में अव्यवस्था जरूर रही लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। भोजन की अव्यवस्था की बात मैं सिरे से नकारता हूँ, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रही। ठीक है, तस्वीरें इस तरह की भी, और जहाँ तक अभी क्वारंटाइन सेंटर की बात है वहाँ पर इस प्रकार की दिक्कतें नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है अव्यवस्थाएं ना हो, क्योंकि मकसद हमारा ये नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप करें, मकसद हमारा ये है कि अगर अव्यवस्थाएं हैं तो हम उनको दुरुस्त करें और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और जब हम कोरोना काल में जब हम एक लड़ाई को लड़ रहे हैं तो क्यों हम इस तरह की अव्यवस्थाओं के चलते उन तमाम सुविधाओं पर पलीता लगाएं। इस वक्त हमें अधीक्षक रायपुर एम्स से डॉक्टर किरण पिपरे जी ने ज्वाइन कर लिया। पिपरे जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि राजनीति तो दोनों ही पार्टियां करते रहेंगे, लेकिन बतौर डॉक्टर मैं आपसे ये समझने की कोशिश यहां पर करना चाहती हूं कि कैसे हम इस संक्रमण का जो विस्फोट हुआ है उसको रोक सकते हैं और आने वाले वक्त में जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में कोरोना की वो किस स्टेज में पहुंचने वाली है।
जैसा कि मैं पिछले अनेकों माहों से और दिनों से कोरोना इन्फेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चाएं करते हैं, और इसके जो पहला मरीज दिनांक 17 मार्च को लंदन से बॉम्बे होते हुए रायपुर आया था, उस महिला को हम लोगों ने ठीक किया। उसके बाद लगातार 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के मरीज बढ़ते थे, और अप्रैल मई से फिर एकदम से बढ़ना शुरू हुआ। जो हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो अन्य राज्यों से, अन्य बड़े शहरों से, दिल्ली से, बॉम्बे से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और दूसरे नगरों से आने लगे, और वो इन्फेक्शन निकलने लगा। उन्होंने कुछ शुरू में तबलीगी का बताया गया कि वो लोग आए थे तो इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में अन्य भी आने लगे तो इन्फेक्शन निकलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस कोविड 19 इन्फेक्शन के जो वायरस है या बीमारी है उससे डरना नहीं है। हमें अपने सावधानी पूर्वक रहना है, मास्क लगा के रहना है, क्वारंटाइन में रहना है, और जो लॉकडाउन की स्थिति होती है तो उसमें भी होना है। और मैं समझता हूँ अभी इसमें कुछ दिन और बढ़ाना चाहिए लॉकडाउन, और लोगों को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, जो इन्फेक्टेड है उन्हें क्वारंटाइन में रखें। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मौतें बहुत कम हो रही हैं, सिर्फ वही आदमी, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 10-12 डेथ ही हुई हैं, वही खत्म होते हैं जो कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कैंसर, ब्लड कैंसर और अन्य दूसरी फेफड़े की या लिवर की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज की बीमारी होती है, हार्ट की होती है, तो उन्हीं लोगों को मरने का डर रहता है। बाकी अभी तो स्टडी में ये पाया गया है कि जो भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, पॉजिटिव भी निकलता है, तो वो अपने घर में रहे और वो अच्छे हो जाते हैं, 4-6-8 दिन में उनकी जांच पुनः होती है तो नेगेटिव निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ज्यादा घातक और ज्यादा नुकसानदायक वायरस नहीं है हमारे प्रदेश में, जैसा कि अभी पता चल रहा है। और बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इतनी अच्छी है कि लोग बीमार कम हो रहे हैं, लेकिन जो लोग हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन लेकर के आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। और जो अस्पतालों में इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टरों को, नर्सों को, वार्ड बॉयों को, उन्हें उनके लिए जो किट होती है, जो काम करते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उनको पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उनकी भी जान बचे, उन्हें बीमारी ना हो, चाहे वो पीएचसी लेवल का अस्पताल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे और बड़े अस्पताल हो, तभी हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। करण जी, मेरा सवाल आपके ही जवाब से है कि आपने इक्विपमेंट्स और जो फैसिलिटीज की बात की है, क्या राज्य सरकार के द्वारा क्या आपको वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही हैं, हो पा रही हैं, और नहीं हो पा रही है तो उसमें किस तरह की दिक्कत है? और जिस तरह से आपने सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र किया, क्योंकि हर कोई 2 गज दूरी का ख्याल अब नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी अवॉइड करते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन प्राइवेट और सरकारी संस्थान सब खुल गए हैं, जो रोजमर्रा के काम हुआ करते थे वो यथावत चल रहे हैं। आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, क्या लॉकडाउन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की वाकई में अब जरूरत आ गई है, तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर क्या आप, क्योंकि आपके साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, क्या आप सरकार को ये बोलेंगे प्रोमिनेंट तरीके से कि नहीं लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस वक्त लॉकडाउन लगाया गया था वो बहुत जल्दबाजी में लग गया था, जब इतने केसेस भी नहीं थे? हेलो जी जी करण जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है कि आप सरकार को ये सजेस्ट करेंगे कि नहीं लॉकडाउन बहुत प्रोमिनेंट तरीके से अब लगाना चाहिए, और किस तरह के सजेशन आप सरकार को देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रकार के हम लोगों को पूर्व से ही जो उपकरण है, सामान है, जो भी लगती है, सामग्रियां हैं, दवाइयां हैं, औषधियां हैं, ये पर्याप्त मात्रा में मिलती रही है। और अब जैसा कि आपने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इनकी आपूर्ति और होना चाहिए, जहां पर कमी है टेस्टिंग का है, उसके जो किट्स हैं, उसके पीपीई किट है, N95 मास्क है, ये सभी वर्ग के, चाहे ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले, ICU में काम करने वाले, वार्डों में काम करने वाले, OPD में, और सफाई कर्मचारी से लेकर के चिकित्सकों तक, सभी को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए।
तभी हम इसको जो अस्पतालों में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। दूसरा, लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए ताकि जो बीमारी, जो लोग बाग यहाँ मार्केट में, सब्जी मंडी में, सड़कों में और डबल बेड करके और ट्रिपल साइकिल में या मोटरसाइकिल में या बसों में, ट्रकों में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो पुलिस विभाग के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, ये सब इन्फेक्शन हो रहा है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। इसमें मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट, बहुत आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। बिना मास्क के और बिना दूरी बनाए कोई ना रहे, अधिक से अधिक जब जरूरी हो कार्य करने के लिए तभी आप अपने परिवार के और घर के कार्य के लिए निकलें, अन्यथा घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, दूसरों को मिलें ना, शादी समारोह, मृत्यु और बाजार, हाट, मार्केट, मॉल कहीं ना जाएं, तभी हम इसको रोक सकते हैं और जनहानि को बचा सकते हैं। ये मेरा संदेश भी है और मेरा विचार भी है, मेरा अभिमत भी है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को कि आप अपने स्वयं के बचाव के लिए, आप अपने परिवार के बचाव के लिए और इस बीमारी को रोकने के लिए इन सभी संसाधनों का उपयोग करें, सावधानियों को बरतें। बिल्कुल राकेश गुप्ता जी, क्या सरकार दोबारा लॉकडाउन लगा सकती है बहुत संक्षेप में, हाँ और ना? जी लगा सकती है। देखिए सामाजिक अनुशासन, देखिए लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, सामाजिक अनुशासन से लॉकडाउन का उद्देश्य पाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। केदार गुप्ता जी, बहुत संक्षेप में, क्या सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए? देखिए जैसे डॉक्टर और विशेषज्ञ की राय है, हाँ। और अभी रायपुर में भी दुकानें 7 बजे बंद करने का आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं शनिवार रविवार इसके बारे में विचार किया जा सकता है और व्यापारिक संस्थान और जनता सरकार से अनुरोध कर रही है कि इस संबंध में कोई कार्रवाई करे, जनता भी चाहती है कि इससे मुक्ति मिले, पर सरकार को निर्णय लेना होगा और सख्ती बरतनी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केदार गुप्ता जी चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही राकेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, करण जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार डिबेट में बने हुए हैं जो आगे भी लगातार जारी रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अब तकरीबन हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है, लिहाजा आने वाले समय में स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकती हैं, और ऐसे में जरूरी है कि इस भीषण संकट के समय राजनीति के बजाय वायरस पर मार करने के लिए ठोस विकल्प तलाशे जाएं। अगर इसी तरह जुबानी जंग होती रहेगी तो पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगी, तो फिर किलर कोरोना को कयामत ढाने में समय नहीं लगेगा। वहीं लोगों को भी चाहिए कि वो शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।